السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد محترم حضرات وخواتين آج کے درس میں هم معلوم کریں. सदकतुल फितर या फितर के ताल्लुक से इसका हुक्म क्या है मकदार क्या है क्या चीज़ देना है कब देना है उसके मस्किन कौन हैं हज़रत सदकतुल फितर ये रमज़ान में हर एक मुसलमान मर्द हो या औरत छोटा हो या बड़ा ग़ुलाम हो या आज़ाद गरीब हो या मालदार हर एक की तरफ़ से एक सा ईद की नमाज़ से कबल अदा करना ज़रूरी है फ़र्ज़ है इसको सदकतुल फितर कहा जाता है या फितर, या फितराना या फितर कहते हैं सबसे पहली बात सदकतुल फितर का हुक्म क्या है तो राजे कौल यही है कि सदकतुल फितर वाजिब हैं फ़र्ज़ हैं क्योंकि पैर नबी अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ फ़र्ज के साथ ही हदीस इरशाद फरमाई है मसला हल हो जाता है इब्ने उमर रदी अल्लाह तुमा से मरवी है कि पैर नबी सम ने जो इरशाद फरमाया है और यह हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 1503 हज़ार पाँच सौ तीन किताबात बाबू फ़र्द इमाम बुखारी ने खूब बाब बाँधा है कि सदक़तुल्फर फ़र्ज हैं और इसी तरह से सई मुसलम दाऊद नसाई इब्ने माजा तिरिमिजी मत्ता मुसद अहमद सनंद दारमी इन तमाम हदीस की किताबों में यह हदीस मजकूर है नबी ने फरमाया फरदा साबी फरमाते इबन उमर फरदा रसोल्हतर तैर नबी सल्हसम ने जकतुल्फित सदकतुल्फित को फर्ज करार दिया फर अदा जब लफ्ज फर्ज नबी की तरफ से सरात के साथ आ गया है अब आगे कुछ बात ना करना ही बेहतर है क्या फर्ज करार दिया सा कितना देना एक सा देना है क्या देना है तमर खजूर और सा मिन शाइिर या एक सा जौ किस पर वाजिब अल-अब्द, गुलाम पर वल हुर आज़ाद पर वक्र मर्द पर वसा औरतों पर वगीर छोटों पर वल-कबीर बड़ों पर मुस्लिमीन मुसलमानों की तरफ से मुसलमान होना शर्त है कब देना है वो आमारा बिहा और नबी ने इसका हुक्म भी दिया अब देखिए फर्जा का लफ्ज है खुद वजूब पर दलालत करता है फर्ज पर है आमारा उल अमरब नबी के तरफ से कोई अमर ऑर्डर आ जाए तो वाजिब होता है वो आमारा उसी हदीस में एक तो फर्ज का लफ्ज भी है फितर का, का हुक्म दिया कि लोग नमाज को निकलने से पहले ईदगाह जाने से पहले अदा कर दें एक ही याद में अल्लाह के रसूल ने सारी तफसीत बता दी हैं, हजरात अब मसला यह आता है कि सदकतुल फितर देना है तो कितना देना है शाह एक शाह देना है एक शाह कितना बनता है अब शाह देखिए चीज़ों के हिसाब से खजूर अगर एक सा नापेंगे तो हो सकता कि तोल में वो आगे पीछे हो जाए चावल अगर नापेंगे तो तोल में अलग आगे पीछे हो जाए क्योंकि उसके हजम और मकदार के अतबार से अलग अलग होता है अल इम ने लिखा है अढ़ाई के जी से लेकर तीन के जी तक बेहतर है एहतियात का तकाजा है कि के तीन के जी ले लें पर एक आदमी की तरफ से छोटा हो बड़ा हो गुलाम हो आजाद हो मर्द हो औरत हो यहां तक कि ईदगाह जाने से पहले भी जो बच्चा पैदा हुआ हो उसका भी और अगर जो पेट में है उसके देने की जरूरत नहीं है ईदगाह जाने से पहले जो पैदा हुआ उसके भी फितरा निकालना है तीन के जी के हिसाब से ये अफजल है दूसरी बात यह कि क्या देना है क्या देना है तो इसमें साफ बात आ गई कि क्या देना है तो आम देना है तो आम देना है अबू सदरी रद्ल तन से मरवी रिवायत है और ये रिवायत सही बखारी वगैरह की रिवायत है सही बखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छः और एक हज़ार पाँच सौ आठ में भी है किताब जक़ात में सई मुस्लिम में है अबूद तिरमिजी नसाई इबन माजा मत इबन अबी शैबा मुसद अहमद वगैरह में रिवायत है हैं, हम लोग और एक रि जमानेबी नबी के जमाने में हम लोग सदकतुल्फित निकालते थे एक सा खुराक में से तोआम खुराक में से हम लोग एक सा निकाला करते थे तो जिस शहर में जिस जगह पर ज्यादातर खुराक जो चीज़ है उसमें से तो आम का लफ्ज़ आ गया कुछ लोग कहते हैं कि चावल कहाँ से लाए आप हदीस में तो चावल का लफ्ज़ नहीं है चावल का नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकिन तो आम का लफ्ज है और तो आम ये खुराक पर दलालत करता है तो जिस शहर में गालिब खुराक जो है उसी में से निकाला जाएगा और फिर अबू सैद खुदरी ने मदीने में खुराक जो आम तौर पर थी उसका जिक्र किया कहा कि शाह अमिन शाइर जौ औता अमिन तमर या एक सा खजूर औसा अमिन अक़त एक सा पनीर औसा अमिन जबीब एक सा मुनक्का। मुनक्का। ये भी निकाला करते थे तो गालिब खुराक आप साल भर जो चीज ज्यादा खाते हैं उसका देना जिस मैार का खाते हैं वही देना है एक बात नोट करने की है कि जो लोग कीमत फिक्स करते हैं कीमत फिक्स करते हैं ज़ाहिर सी बात है, ये इस के खिलाफ है क्योंकि हम एक मीर का खाते हैं आप एक मैार का खाते हैं आप हो सकता है कि सत्तर अस्सी रुपया के जी चावल खाते हैं या कोई और हो सकता है कि वो आटा कोई गेहूं नहीं खाते देखिए आटा खाते हैं आटा हो सकता है कि वो चालीस रुपये पचास रुपये के जी खाता होगा मैं चावल हो सकता है पच्चीस रुपये के जी या तीस रुपये के जी खाता होगा तो जाहिर सी बात है मैं अगर तीस रुपये के जी खाता हूं तो मेरा नब्बे रुपये बनता है आप अगर सत्तर रुपये के जी खाते हैं तो दो सौ दस रुपये बनता है इसलिए ये कीमत फिक्स करना तय करना ये बिल्कुल हदीस के खिलाफ है और एक लोगों पर यह जुल्म भी है या हक तलफी भी है आप अगर कहते हैं सत्तर रुपया तो जाहिर सी बात है जो आदमी एक के जी चावल सत्तर रुपये का खाता है जाहिर सी बात है उसका आधा सा भी नहीं होगा याद रखें मेरे भाइयों तो इसलिए जो गालिबी खुराक है उसमें से देना है अब एक मसला आता है क्या खुराक के बदले में राशन के बदले में यानी जो चीज आप खाते हैं खुराक के बदले में कीमत देना जायज है इसमें अहले अहम ने इख्लाफ किया है बात ही नबी से पैसा और नकद देने का कोई जिक्र नहीं मिलता है सलफ में इख्लाफ हुआ साहबा में से बाज उसके कायल थे ताबीन में से बाज उसके कायल थे और अक्सर उसके कायल नहीं है जमहूर के नज़दीक यही है कि कीमत देना दुरुस्त नहीं है जायज नहीं है क्योंकि ये नस के खिलाफ कयास हैं और नस होते हुए कयास करना ये दुरुस्त नहीं है और जब सलफ में बाज उसके कायल हैं और बाज कायल नहीं है जब के में आसार में अख्तलाफ हो गया तो हमें असल की तरफ जाना है नबी की बात की तरफ जाना है और नबी की बात में खुराक के अलावा कुछ नहीं दूसरी बात के जमाने में दिरहम थे। दे सकते, थे। दे सकते थे कि हां या तो खुराक या दीनारो दरहम उसकी की तीसरी बात जका फितर का जो मकसद और मशरफ है के देखो तोहरतम रफस वल लघो और रफस कामों से रोजेदार की पाकि सफाई के लिए उसके रोजे को पाक साफ करना कुछ गलती चूक हो गई उसको दूर करना है उसकी तलाफी के लिए व तोहत और मिसकिनों को खिलाना है जिसका मकसद है मिसकिन को खिलाना है तो जाहिर सी बात है मकसद जब मस्किन को खिलाना है अगर आपने पैसा दे दिया तो खिलाना नहीं हुआ खुराक देंगे तो खिलाना हुआ है कई एतबार से यही अफजल है बेहतर है कि खुराक ही दिया जाए अभी आप कहेंगे कि खुराक उसके पास है उसको और चीजों की जरूरत है उसको और चीजों की जरूरत है तो और हैं जक़त हैं पैसे के लिए जक़त हैं सदकत हैं आम खैरात हैं दीगर चीजें हैं सदकातुल फितर में सिर्फ खुराक ही होना चाहिए इसको खुराक के हद तक ही रहने देना चाहिए नबी के जमाने में भी ये मसलहत थी कि फ़कीर को रुपये पैसे दिनार दिरहम की जरूरत थी कपड़े की ज़रूरत थी लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया उसको सिर्फ ख़ुराक देने के लिए कहा आज भी हम उसी को रखें खुराक दें रुपया पैसा या कपड़े की शक्ल में ना दिया करें क्योंकि ये बेहतर नहीं है दुरुस्त नहीं है और बहुत सारे अहले इल्म ने लिखा है कि फितरा अदा नहीं होगा अगर कोई कीमत दे तो एक मसला हमारे यहाँ पर यह है बाज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंतजाम किया जाता इज इजाही तौर पर जकत का इंतजाम किया जाता है पहली बात क्या इज्तिमा जकत है, हाँ, है, है। उमर फरमाते हैं प्यारे नबी सबन अब्बा से भी है यह रिवायत के हमें अल्लाह के रसुलकुम देते थे कि ईद से दो दिन या एक दिन कबल चंद अम कबल फितर जमा करके लाया जाए जमा करते थे और वो जो अबू हुरैरा की आयतुल के फजीलत में चोर आया था और तीन दिन जो चुराने की कोशिश किया पकड़ लिए आयतुल फजीलत बताकर गए जक़ात का फितर था क्योंकि हदीस में है ज़कात रमज़ान नबी ने मुझे रमजान के सदके के निगरानी के लिए मुकर किया था तो जाहिर सी बात है तीन दिन तक निगरानी की गई तो जाहिर सी बात है तीन दिन से पहले ही उससे पहले ही वो माल जमा किया गया था तो कई अयाम पहले दो चार दिन पहले जमा करना इज्तिमाही शक्ल में करना बिल्कुल जायज है लेकिन फकीर तक पहुंचाना है ये ईद के रोज चांद नजर आने के बाद से ईदगाह जाने तक ये अफजल वक्त है उससे भी एक दो दिन पहले भी फकीर को दिया जा सकता है अलबत् जमा उससे भी एक दो, दो दिन पहले भी किया जा सकता है तो बाजेदारों की तरफ से इकट्ठा जमा किया जाता है अब वहां आप राशन पहुंचा देते हैं खुराक पहुंचा देते हैं अच्छी बात है बहुत बेहतर है नहीं तो वो लोग अगर उनको पैसा देते हैं और वो चावल राशन खरीद के आटा खरीद के उसके बाद गरीब तक पहुंचाते तो भी दुरुस्त है गरीब को खिलाना है गरीब तक वो पैसा उसके खुराक पहुंचना चाहिए तो इनके जरिए से खुराक गरीब तक पहुंच रहा है ये भी दुरुस्त हो सकता है कीमत अदा करना दुरुस्त नहीं है अब आखिरी बात यह है कि इसका वक्त और इसका मशरफ वक्त क्या है गरीब तक पहुंचाने और उसको निकालने का अफजल वक्त है ईद का चांद नजर आने के बाद से लेकर ईद का जाने तक लेकिन ये इसका आखिरी वक्त है उससे पहले भी एक दो दिन पहले भी दो चार दिन पहले भी निकालना दुरुस्त है ताकि अगर इज्तिमाियत का इंतजाम कर रहे हैं गरीब तक पहुंचाना मुनजम शक्ल में करना चांद नजर आने के बाद से मुश्किल है नहीं हो सकता है और साहब इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चार दिन पहले लिए हैं तभी तो अबू हुरैरा को तीन दिन तक निगरान मुक्र किए तो उससे पहले ही लिए थे वो ताकि मुनाजिम तरीके से फकीर को ईद से पहले पहुंच जाना चाहिए दो दिन या एक दिन पहले लेकिन उससे पहले बहुत पहले आठ दस दिन पहले देना या रमजान के शुरू में देना ये दुरुस्त नहीं है ठीक नहीं है किसको देना है किसको देना इसका मशरफ क्या है इसका मशरफ याद रखिए ये सिर्फ फकीर और मस्किन का हक है फकीर और मस्किन जकवात के जो आठ मसारिफ़ हैं ये इसमें नहीं है बल्कि ये सिर्फ फकीर और मिसकीन का हक़ हाँ है नबी ने फरमाया कि मिस्कीन को खाना खिलाना है और ईद के दिन उनको बेनियाज रखो खूब खिलाओ पिलाओ उनको खिलाने का इंतज़ाम उस दिन करना चाहिए ये फकीर का हक हाँ है सिर्फ फकीर को ये देना चाहिए फकीर के अलावा किसी और को ये देना दुरुस्त नहीं है मदरसे को या किसी इदारे को मस्जिद को देना दुरुस्त नहीं है और ये हाँ फ़कीर अगर कोई मिसकीन गरीब वहाँ पर पल रहे हैं तो उसको देना दुरुस्त है लेकिन मस्जिद को मदरसे को इदारे को डायरेक्ट डारे देना दुरुस्त नहीं है गरीब और फकीर के ज़िम्मे उनको देना दिया जा सकता है सवाब ये फितराने के ताल्लुक से फितरे के ताल्लुक से चंद मुतफ़ात मसाइल थे अलहमद हमारी मस्जिद मस्जिद खलील से भी इज्ती शक्ल में इंतज़ाम किया जाता है इसलिए पैर नबी वसल्लम का जो तो तरीक़ा एक दो दिन पहले यानी 28 से 27 रमज़ान या उससे एक दो दिन पहले दिया जा सकता है तो हम लोग आज से कलेक्ट करना शुरू किए हैं जो लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें ज़्यादा बेहतर है ताकि लॉकडाउन का या में गैदरिंग ना हो और जो लोग आकर देना चाहते हैं आकर दे भी सकते हैं अगर आप घर तक बुला कर पहुँचा पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे अफराद आपके घर तक पहुँचेंगे और इन ईद से पहले इसको खुराक की शक्ल में पैसे की शक्ल में नहीं ये आपके पैसे आपसे कलेक्ट करेंगे आप भी खरीदेंगे हम भी ख़रीद के ला के इसको मुनाज़म शक्ल में ख़ुराक की शक्ल में गरीब तक पहुँचाएगी इन शान और आपके अहबाब कांटेक्ट में भी कोई गरीब फकीर है तो आप भी उसके ताल्लुक से रेफर कर सकते हैं अल्लाह तला से दुआ करते हैं अल्लाह ताल